विदिशा जिले के पठारी में लगभग 60 तीर्थयात्रियों का जत्था लगभग 22 दिन की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गया है। स्थानीय पठार वाले हनुमान मंदिर पर सभी तीर्थयात्रियों ने एकत्रित होने के बाद यात्रियों से मिलने वाले लोगों के हार और तिलक लगाकर बधाई दी। जुलूस के रूप में डीजे की धुनों पर सभी तीर्थयात्री बड़ी माता मंदिर से दर्शन कर गौशाला पहुंचे। यहां से सभी यात्री बस में रवाना हो गए। इस अवसर पर नगर के हिंदू मुस्लिम जैन समाज सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। विदिशा पठारी से आशीष सैले की रिपोर्ट। हम सब जो तीर्थयात्री जा रहे हैं इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो छठवीं बार भी हमारे साथ हैं और हर बार कुछ नए और लेकिन पुराने ज़्यादा रहते हैं। 70% से ज़्यादा इस बार भी पुराने ही हैं। इस बार जो यात्रा है, इस यात्रा के बाद हमारी पूरी यात्रा, पूरा भारत भ्रमण और जो विदेश में नेपाल में पशुपतिनाथ जी हैं वो तक दर्शन हो जाएंगे। हम सब ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों की अच्छी मनोकामना की और गांव में समृद्धि बनी रहे इस हिसाब से हर वर्ष या एक साल दो साल बाद जरूर सब लोग जाते हैं और हमारे जो तीर्थयात्री हैं उनके लिए भी बहुत बहुत हमारी ओर से धन्यवाद। ग्रामवासी क्षेत्रवासी जो इतने तादाद में हम लोगों को छोड़ने आए, हर वर्ग के लोग हम लोगों को विदा करने आए, उन सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों के लिए भी हमारे तीर्थवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।